Student, I hope you all are doing well. And today I am going to discuss with you question number two from exercise thirteen point one, class 9th Now the question number two is saying the length, breadth, and height of a room are five meter, four meter, and three meter respectively. Find the cost of white washing the wall of the room and the ceiling at the rate of rupees seven fifty per meter square. It means one meter square pe jo cost aara, aara seven rupees fifty paisa. Okay. तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या निकालना एरिया निकालना पड़ेगा फोर वॉल प्लस सीलिंग उन्होंने कहा है आपसे कि जो आपका देखो जो रूम होता है वो आपका कैसा होता है क्यूबोड शेप में होता है तो इन्होंने कहा है आप सीलिंग को लोगे प्लस आप फोर वॉल्स को लोगे है ना लेकिन आप फ्लोर को नहीं लोगे है ना फ्लोर को काउंट नहीं कर रहे हो इट मीन्स आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स प्लस सीलिंग ठीक है तो निकाल देते हैं हमें पता है जो एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड क्या होता है बेटे क्यूबोइड ये क्यूबोइड ही तो है एक तो क्या होता है बच्चा आपका टू इन टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ओके okay. एल क्या है लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ अब यहाँ पे क्या एक्सक्लूड हो रहा है अगेन देखो हमेशा याद रखना चाहे पार्ट आपका रूफ हो चाहे आपका सेलिंग हो जब भी रूफ ये बॉटम या टॉप में से कोई एक एक्सक्लूड होता है तो आपकी लेंथ और ब्रेथ ही एक्सक्लूड होती है ये क्या है एक रेक्टेंगल ही तो है देखने में आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल है तो इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इट मीन्स वन का वन रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा ठीक है बाकी तो आपके पास रहेगा तो यहां से टू एल बी को हमें एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो एरिया बनेगा सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस सीलिंग इस वे में बनेगा और ये क्या हो जाएगा फोर वॉल्स क्या है आपके जिसमें आपकी हाइट भी नज़र आपकी हाइट नजर आ रही है आपको एंड आपको क्या नज़र आ रही है ब्रेथ इट मीन्स ये तो डबल डबल रहेंगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका बच्चे टू इन टू एल एच प्लस बी एच जो ट्वाइस नहीं होगी वो क्या नहीं होगी एल और बी एल बी क्या होगी आपकी ओनली सिंगल है ना क्योंकि जो नेक्स्ट बॉटम ऑफ क्यूबॉइड है वो आप क्या कर रहे हो एक्सक्लूड मीन्स जो ग्राउंड फ्लोर है या ग्राउंड बेस पे है उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो बॉटम को एक्सक्लूड कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे मीन्स आप ओनली फाइव फेसेस का निकाल रहे हो सिक्स फेसिस का नहीं निकाल रहे हो है ना मैंने आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया था तो यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए गिवन में क्या है बेटा आपको गिवन में दिया है लेंथ कितनी आपकी फाइव मीटर ब्रेथ क्या आपकी फोर मीटर हाइट क्या आपकी थ्री मीटर ठीक है ये सब आपको गिवन है अब यहाँ पे रख देते हैं फटाफट टू इंटू क्या हो जाएगा एल एच इट मीनस फाइव इंटू थ्री प्लस बी एच फोर इंटू थ्री प्लस एल बी एल बी फाइव इंटू फोर सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा आपके पास टू इंटू फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा फाइव प्लस टू सेवन वन और वन टू इंटू टू प्लस ट्वेंटी टू सेवन जा फोरटीन टू टू जा फोर वन फाइव इट मीनस फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी दैट बिकेम केम सेवेंटी फोर मीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वायर आप यहाँ पे डायरेक्टली बिग ब्रेकेट के साथ मीटर स्क्वायर लिख लिखोगे क्यों क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो एरिया और एरिया आपको पता है किस में होता है मीटर स्क्वायर में है ना और जो आपकी क्यूब होती है वो किस में होती है बच्चा क्यूब में होगी मीटर क्यूब में होगी और जो आपका पैरामीटर होता है वो ओनली वन यूनिट में होता है सरफेस एरिया आपका टू यूनिट में होता है मीन स्क्वेयर में होता है और जो आपकी वॉल्यूम होती है वो क्यूब में होती है ठीक है तो हमने ये तो निकाल दिया लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो या डायरेक्ट ये लिखो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वेयर कितना किया हो बेटा वन मीटर स्क्वेयर एरिया पे जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है रुपीज सेवन फिफ्टी पैसे ओके तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितने मीटर स्क्वेयर सेवेंटी फोर मीटर स्क्वेयर एरिया पे जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ सेवेंटी फोर इंटू सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका रुपीज़ फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव okay. ओके तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ईच एंड एवरी पार्ट इसी वे में करना है थोड़ा लेंथ और ब्रेथ और हाइट में समझ के चलिए क्वेश्चन में ये देख के चलिए कि आपसे कंप्लीट सरफेस एरिया की बात हो रही है या सिर्फ फाइव फेसिस का पूछा जा रहा है या फोर भी देखो कई बार क्या है सिर्फ फोर वॉल्स का पूछा जाता है है ना वो आपसे फाइव फेसिस का भी नहीं पूछता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ठीक है बाय